Welcome to session 55, the dark of the dawn, Bhor ke Andhere mein. Transformative Dalit literature has an inspirational role to play in the battle for justice and equality and equity. Iconic writers and journalists who struggled with extreme poverty, prejudice and illiteracy and went on to become highly regarded literators speak of the trajectory of their careers, the hardships and the humiliation they faced and the victories and redemption of literature. Please welcome Desraj Kali, Dhrubo Jyoti, Manoranjan Byapari, Sheoraj Singh Bechain in conversation with Harish Trivedi. नमस्कार इस सत्र में आप सबका स्वागत है ये दलित साहित्य पर केंद्रित है जैसा कि अभी आपने सुना इट विल बी कंडक्टेड पार्टली इन हिंदी एंड पार्टली इन इंग्लिश बिकॉज द सब्जेक्ट इज सच अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग एल्स इफ ऑल द दलित्स बिगैन स्पीकिंग इंग्लिश देयर वुड बी अ रिवॉल्यूशन सो सेज कांचा इलैया सो आई डोंट नो वेदर दैट्स इवन अ डिजायरेबल डेस्टिनेशन टू गेट टू लेकिन हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे भाषा के बारे में भी दलित अनुभव के बारे में दलित साहित्य के बारे में चर्चा दलित साहित्य का अस्तित्व भी पिछले 50-60 साल से अधिक पुराना नहीं है दलितों की समस्याएं और दलितों का अस्तित्व और दलितों की अस्मिता तो बहुत पुरानी है और राजनीति के क्षेत्र में पहले भी उस पर विमर्श हो चुका है तरह तरह के कार्यक्रम हो चुके हैं उनके सुधार के लिए लेकिन जो अत्याचार और दमन और दलन जिससे दलित शब्द आता है वो कितने कम हुए हैं ये विचार का विषय है तो आज हमारे साथ चार दलित लेखक हैं ये दलित भी हैं और लेखक भी हैं तो दलित अनुभव के बारे में और इनका जो लेखन कर्म है उसके बारे में समान रूप से चर्चा होगी एक बात और है कि सब दलित लेखकों को एक जैसा मानना उनके साथ अन्याय है हर एक की स्थिति अलग अलग होती है हर एक का अनुभव अलग होता है जहाँ से लोग आते हैं जहाँ जन्म होता है वो स्थान भी भिन्न होता है और उसी के अनुसार उनका लालन पालन जैसा हुआ जो जो सहा उन्होंने जो जो झेला और उससे उभर कर जो आए यहाँ तक आए उसकी गाथा बहुत ही रोमांचक है और बल्कि दिल दहलाने वाली है तो उसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जैसा मैंने कहा भारत के अनेक भागों से अनेक भाषाओं में पले हुए चार लेखक हैं क्रमशः मैं उनसे कहूँगा कि वो अपने जीवन अनुभव के बारे में अपने लेखन के बारे में और जो दलित समस्याएं उनके मन में लगता है कि प्रमुख हैं उनके बारे में आपको अवगत कराएं पहले जिस क्रम में बैठे हैं उसी क्रम में कर दें हाँ मनोरंजन व्यापारी जी जिनको अभी पिछले हफ्ते एक पुरस्कार मिला है इनकी आत्मकथा मेरा चांडाल जीवन जिसका अनुवाद हिंदी में होगा ये बंगाली में लिखते हैं बंगाल के ही लेखक हैं और अभी वो पुरस्कार इनको हिंदू लिटरेरी फेस्टिवल में मिला है नॉन फिक्शन की कैटेगरी में हाँ और इनकी एक और पुस्तक आई है इसी वर्ष थोड़े ही दिन पहले देयर इज गन पाउडर इन द एयर जिसकी प्रति यहाँ है वो भी अंग्रेजी अनुवाद में उपलब्ध है तो
जहाँ तक मेरी जानकारी है, दो पुस्तकें इनकी अंग्रेजी में सुलभ हैं, एक तो ये है और दूसरे इनका आत्मवृत्त जो है वो है बाताशे बारूदेर गोंदो, बंगाली जो है इसका शीर्षक है, और हिंदी में पता नहीं सुलभ है अभी नहीं, हिंदी में है अभी नहीं है, इनकी जीवनी हिंदी में भी है, चांडाल जीवन अभी नहीं आई है, तो अंग्रेजी में दोनों पुस्तकें सुलभ हैं। व्यापारी जी, आपका जीवन अनुभव इतना व्यापक है, कहाँ आपका जन्म हुआ, उसके बाद आपका किस प्रकार शुरू में जो जीवन चला, जेल भी गए आप, रिक्शा भी चलाया आपने, रिक्शा चलाते हुए महान लेखिका महाश्वेता जी से आपका आपकी मुलाकात हुई, आपने उनसे जिजीविषा का अर्थ पूछा, आपकी जिजीविषा कहाँ से आई और कहाँ तक पहुँच चुकी है अब तक? चला जाऊं इसको लेके? हाँ बिल्कुल, चला जाऊं? चले जाओ, आपकी इच्छा है। खड़े होकर के बोलूं कि बैठ के? खड़े खड़े बोलूं? पिछले साल भी हम जयपुर आए थे, आप लोगों को कुछ लोगों को शायद याद होगा, हम जहाँ जाते हैं उतना जल्दी हमें लोग भूल नहीं पाते, तो उम्मीद करता हूँ कि जो लोग पिछले साल हमारे बात को सुने होगा, उनकी थली झोली जेब में ढेला पत्थर टमाटर सरा हुआ अंडा ये सब हो सकता है, क्योंकि मेरा बात इतना करुआ है, हालांकि मेरा जब जन्म हुआ ना मुंह में मधु नहीं गिरा, घर में चावल नहीं था तो मधु कहाँ से लाते, तो इसके लिए क्या है मुंह में मधु ना डालने के कारण तमाम बातें जो है वो कड़ुआ हो गया, तीखा हो गया, और हमारे लेखन भी ऐसा ही है, जो भी लिखता हूँ वो कड़ुआ है, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन ये जयपुर लिट फेस्ट दी हिंदू और आप सबको सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे बात सुनने के लिए आए और उन्होंने इतना बड़ा मंच दिया, हमारे बंगाल में ऐसा मंच हमको देते नहीं, जयपुर लिट फेस्ट दी हिंदू का इतना बड़ा अवार्ड जीत के हम गए, अगर हम नीचे ये जो नीची ऊँची जाति का जो विराट विभाजन किस तरह है, ये सिर्फ हम लोग समझते हैं जो नीची जाति में पैदा हुए, इतना बड़ा पुरस्कार जीत के हम गए सारा भारत में से, बंगाल का कोई भी मीडिया में एक लाइन आया नहीं, क्यों भाई? इसलिए नहीं आया कि एक चंडाल एक अछूत ऊंची जाति के ऊपर में चढ़ करके, हालांकि वो जो जुड़ी थे उन्होंने निरपेक्ष विचार किए और दी हिंदू भी निरपेक्ष विचार किए तभी हमको वो पुरस्कार मिल पाया, अगर वर्णवाद उनके मन में थोड़ा सा हावी हो जाता तो हमको मिलता नहीं, हम तो आखिरी टाइम तक भी नहीं सोचे कि हमें मिलने वाला, और अभी अभी दो चार शख्स से मिले जिन्होंने वहाँ उपस्थित थे, वो देखे पुरस्कार मिलने के बाद में हम कैसे फुट फुट के रोए कि जो मिलना ही नहीं था वो अचानक हमको कैसे मिल गया, इतना बड़ा लड़ाई था कॉम्पिटिशन। मैं नीची जाति का हूँ और उसी जाति का दुखड़ा आप लोग को सुनाने को आया हूँ, और सिर्फ मैं बंगाल का बंगाल तक ही बात सीमित रखूँगा, क्योंकि और जो इस देश का तो तमाम प्रांत है वहाँ से भी हमारे सब विद्वान लोग आए हैं, उन्होंने बताएंगे, हम जिम्मेदारी सिर्फ बंगाल का उठाता हूँ, बंगाल का दलित और दरिद्र समाज से हम आए हैं, दलित एवं दरिद्र, दलित में भी दो हिस्से हैं, एक टाई बंधे हुए बाबू लोग हैं और एक हम अंगोछा वाले हैं, हम टाई बंधे वाले बाबू लोग के पक्ष से कुछ नहीं बोलने आया, हम सिर्फ अंगोछा बन के जो लोग घूमते हैं वही लोग के पक्ष में से आए हैं। अच्छा, आप लोग ढेर सारी पुस्तक में पढ़े होंगे, बड़े बड़े विद्वान वहाँ से आते हैं, आप लोग के यहाँ बहुत सेमिनार करते हैं, एक महान पंडित भी यहाँ आए थे, उन्होंने बोल के किया कि हमारे बंगाल में वर्णवाद जातिवाद है नहीं, हालांकि हम उस समय उस मंच पे हम लोग थे नहीं तो उनका हम वस्त्र उतार देते, देश का विभाजन हुआ वहाँ से तो दो किस्म के लोग आए थे, कि ऊंची जाति के एक नीची जाति का। अच्छा, सरकार ने 1950 साल तक 149 कॉलोनी बनाए
अपने पैसा से जमींदारों से जमीन खरीद करके लोगों को बैठाया, वो कौन लोग थे? वो सब ऊंची जाति के लोग थे। उसमें से उन 249 कॉलोनी में एक भी नीची जाति का लोगों को प्लॉट नहीं दिया गया, एक भी नहीं। क्यों भाई, क्या पाप किए थे हम लोग? हमारे लोगों को भेजा गया कहाँ? नैनीताल, दंडकारण्य, आंदामान। वर्णवाद नहीं है, वर्णवाद नहीं है तो ये ऐसा क्यों हुआ? हमारे लोगों को कलकत्ता में, बंगाल में जगह क्यों नहीं मिला? सब क्यों आदिवासी क्षेत्रों, जहाँ आदिवासी क्षेत्रों जहाँ जमीन नहीं है, पानी नहीं है, जंगल है, आवागमन का सुविधा नहीं है, दवा नहीं है, अस्पताल नहीं है, ऐसे जगह में हम लोग को क्यों भेजा गया? एक बोलते हैं कि हिंदू और मुसलमान, कितना टाइम हमारे लिए है दादाजी, कितना टाइम है? पाँच मिनट और है। अच्छा, अंत में वो जीजी विषय में जाके खत्म करूंगा। एक एक बात, अच्छा, ये दो देश का विभाजन जो हुआ, बोलते हैं कि मुसलमान लोगों के कारण ही देश का बंटवारा हुआ, तो ठीक है, मान लिया भाई। तो मुर्शिदाबाद, मालदा, नदिया, जो मुसलमान ज्यादातर संख्या में बसे हैं, वो तो जाना चाहिए था पाकिस्तान में। और बरिशाल, खुलना, फरीदपुर, ये जो हमारे हिंदू नमशूद्र जाति के लोग ज़्यादा है, वो तो आना था, ये था भारत में, क्यों नहीं आया? उल्टा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि बरिशाल, खुलना, फरीदपुर, ये तीन जिला में हम नीची जाति के लोग, नमशूद्र जाति के लोग, अच्छू चंडाल जाति के लोग ज़्यादातर रहते थे। और हम लोग, हमारे लोग भीमराव अम्बेडकर जी के साथ मिल करके एक मजबूत, एक ताकतवर संगठन हम लोग बनाए थे। बाबा साहेब को बंगाल से हम लोग जीता करके असेंबली में, हम लोग संविधान सभा में भेजे थे संविधान बनाने के लिए। महाराष्ट्र उनको जीता नहीं पाए, लेकिन हम लोग जिताए थे। हमारे ताकत से ऊंची जाति के लोग डर गए थे, तो इसी कारण हम लोग को उस देश से इस देश आना पड़ा। हम नीची जाति के लोग, हमारे लिए तो सरकार कुछ करेंगे नहीं। बचपन में हमको गैया, बैला, बकरा ये सब चराना पड़ा, चाय दुकान में गिलास धोना पड़ा। और जिस तरह जीवन हमको जीना पड़ा, हमसे आप कोई अच्छे काम का, अच्छे बात का, अच्छे व्यवहार का उम्मीद नहीं रख सकते। ये जो जीवन है, ये चलते चलते फिसल जाता है, हम भी फिसल गए। और एक दिन हम देखा, हमारा पैर जेल खाना में पहुंच गया। जेल को हम सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मानते हैं। अगर हम जेल में न गया होता, आपकी इस मंच पे हम खड़ा ना होते, ना आप हमारे बात सुनते। जेल की आंगन में एक लकड़ी का कुटका लेकर के हमारे अक्षर ज्ञान प्राप्त हुआ। हमारे जो गुरुजी जिन्होंने लिखा पढ़ी सिखाए थे, खिड़की से, जेलखाना का खिड़की से नेशनल हाईवे के कार्निस में एक बर्ड का चारा दिखाया था, छोटा सा इतना। बोला बेटा, वो वहाँ कैसे जिंदा है? वहाँ तो मिट्टी नहीं है, खाद नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, वो जिंदा कैसे है? जिंदा इसलिए है कि वो जीना चाहता है, और जो जीना चाहता है उसे कोई मार नहीं सकता। मैं मरना नहीं चाहता था, मरने से मैं बहुत डरता हूँ आज भी, अभी भी। मैं जीना चाहता हूँ, और जीना चाहता हूँ इसलिए मैं जी करके देखा। मैं मरने के बाद में भी 100 साल तक जिंदा रहूंगा आप लोग के भावना में, चिंता में, सोच में, विचार में, कोई हमें मार नहीं सकता। बंगाल में, अच्छा, जी जी विषय का शब्द आप लोग तो जानते हैं, क्या है दादाजी, कोई एक बोल दीजिए, क्या है? हाँ, नहीं, एकदम नहीं, एक नहीं, नहीं, जी जी विषय शब्द का अर्थ है, सच्ची मायने में अर्थ है, मनोरंजन व्यापारी। मैं मेरे को देखो, जीने की इच्छा कैसा होता है मेरे को देखो। मैं गर्व के साथ, मैं, मेरा गर्व नहीं, मैं, मेरा ये गर्व खुद का गर्व नहीं, मेरा तमाम दलित, दमित, कुचले हुए लोगों की ओर से मैं बोलने आया हूँ। उसी का कंठस्वर हूँ, उसी का वॉयस हूँ, उसी का बोली हूँ। मैं कोई व्यक्ति नहीं हूँ, एक समाज से आया हुआ, दबा हुआ, कुचला हुआ कंठ हूँ। मेरा लेखन, मैं उन्हीं की बात लिखता हूँ,
और उस समझ से अगर मेरा पैदा ना होता तो मैं शायद इतना मेरा बोली भी तीखा नहीं होते और मेरा लेख आप लोग इतना पसंद भी नहीं करते। तो ये जीडीपी का अर्थ है। बाकी आप लोग का सवाल का जवाब मैं बाद में देते रहूँगा, बहुत लोग हैं बोलने के लिए, पैनल समय तो बड़ा छोटा है, लेकिन बाहर में चल की भी आप लोग से हम बात करेंगे। सलाम सबको। अरे वाह, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। इन सबको जो कहना है वो इतना मार्मिक है और हृदय द्रावक है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति घंटा घंटा बोले तब भी पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन समय की बाधा है। तो अब मैं अगले वक्ता प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन को बुलाता हूँ, उनसे जहाँ से आप चाहें। हाँ, एक बात इनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि दलित जाति में इनका जन्म, दलित वर्ग में इनका जन्म, लगभग उसी प्रकार की जाति में जैसा कि चांडाल, वही कर्म इनका प्रारंभ में, और वहाँ से ये बढ़ते हुए संघर्ष इनका जो रहा जीवन भर का, आज ये हिंदी विभाग में दिल्ली जैसे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, वरिष्ठ प्रोफेसर हैं, और दो महीने में ये हिंदी विभाग इतना बड़ा विभाग है उसमें 900 तो गरीब अध्यापक हैं, उसके ये अध्यक्ष होने वाले हैं, हेड ऑफ द हिंदी डिपार्टमेंट। ये ऐसी घटनाएं हैं जो लैंडमार्क कही जा सकती हैं। और अभी पिछले महीने इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, नॉट ओनली हिंदी बट इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश विच कुड बी कंसिडर्ड ए स्ट्रॉन्ग होल्ड, even greater stronghold, the conservative attitudes and colonial attitudes, the gentleman who became the head of the English department in Delhi University is also a Dalit, Professor Rajkumar, and he has just published this book, which is Dalit Literature and Criticism, published by Odin Black Swan, which is an introduction to Dalit writing, to Dalit aesthetics and Dalit criticism. If any of you wish to enter at the ground level in this discourse, this is as lucid an introduction as one could hope to find, just published. Shivraj ji, his autobiography, Mera Bachpan Mere Kandhon Par, was published in English translation only a few months ago. I had the privilege of reviewing it for the Indian Express. One of the translators is also present here, Deeba. Deeba is somewhere here. Yes, that's right. And he has also published a new book of poems in Hindi, Bhor Ke Andhere Mein, which is available here. So, first, Bhor Ke Andhere Mein, the title, In the Dark of the Dawn, reminds one a little bit of Faiz and what he said about independence. Similarly, all the progress made in Dalit matters is perhaps still Andhera and not Bhor. Shivraj ji, aap pehle isse ek kavita padhe aur phir uske baad Dalit vishay mein jo bhi aap kehna chahe aap kahe. आयोजकों का बहुत बहुत आभार कि मुझे याद किया, और आप लोगों के प्रति मेरी कृतज्ञता कि आप सुनने के लिए उत्सुक हैं। इससे पहले कि मैं कविता पढूं, एक बात मेरे जहन में बराबर घूम रही है। मनोरंजन व्यापारी ने एक जगह कहा कि मुझे जेल में रोटी मिल जाती थी, नाश्ता मिल जाता था तो मैं पढ़ पाया। मैं बराबर यह सोचता कि उस तरह की जेल मुझे क्यों नहीं मिली, क्योंकि मेरा बचपन जिस तरह का गुजरा, मेरे सामने रोटी की सबसे बड़ी समस्या थी, हर कदम रोटी की समस्या थी। मैं हर बार स्कूल छोड़कर भागा था रोटी के लिए। मैं कल बात कर रहा था अपनी पत्नी से कि मैं बीएड में एडमिशन लिया लेकिन रोटी नहीं थी। मैं जब पहली बार, आप देखिए कि हमारे भारतीय संविधान में 14-15 वर्ष तक के बच्चों को ऐसे काम में लगने के लिए मनाही है जिससे उनका शारीरिक शोषण होता हो, लेकिन मेरी बदकिस्मती देखिए कि मैं 14 साल तक तो स्कूल ही नहीं देखा मैंने,
स्कूल क्या होता है, जो दिलचस्पी थी पढ़ने की वो बाहर से ही सीखा जो कुछ सीखा, और उसमें आप देखें कि ऐसे काम करने पड़े, मैं कविता पर आ जाऊंगा बहुत जल्दी समय को ध्यान में रखते हुए, ऐसे काम करने पड़े कि जिससे अपने ही लोग मुँह चुराते हों। मैं छोटे छोटे एक दो उदाहरण दे देता हूँ। जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई मैं 5 साल का था, घर में कुछ भी नहीं था और मेरी माँ को 2 बार रीमैरिज करनी पड़ी थी, लेकिन मेरे जो सौतेले पिता थे उन्होंने अपने बेटे के साथ जब मुझे स्कूल में भेजा पहली बार मेरा काखागा सीखने के लिए जो नाम दर्ज हुआ, तो अध्यापक ने बहुत जल्दी ये रिपोर्ट दी कि ये बच्चा होनहार है, बहुत जल्दी पिकअप कर रहा है, ये कुछ बन जाएगा इसे पढ़ाई। लेकिन आप देखिए कि वो रिपोर्ट मेरे एकदम खिलाफ पड़ी, क्योंकि सौतेले पिताजी तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाना चाहते थे, वो इसलिए भेज रहे थे कि उनका बेटा पढ़ जाए। उस रिपोर्ट के बाद उन्होंने क्या किया, मेरी किताबें जलाई, पट्टी जलाई और पढ़ना बंद कर दिया गया। यहाँ से शुरुआत हुई और मुझे एक भट्टे पर बेच दिया गया, भट्टे पर जो ईंटें पड़ती हैं तो बाल मजदूरी के लिए मुझे बेच दिया गया और वहाँ से कुछ पैसे के लिए, और वहाँ से मुझे छुड़ाया मेरे नाना फूफा मौसा लोगों ने आकर। तो इस तरह से मेरा बचपन चल रहा था। और एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ कि मेरा जब एक अध्यापक की मदद से मेरा स्कूल में जब दाखिला हो गया तो रोटी की समस्या थी, तो मैं सोचता था कुछ काम करना चाहिए। तो आप देखिए कि एक अछूत बच्चे को काम क्या मिलता है, उसको संभावना ही नहीं। मेरे जो पूर्वज थे, मेरे जो पिता थे, वहाँ मुर्दा मवेशी का चमड़ा उतारा जाता था, तो वो मैंने काम सीख लिया था कि मैं चमड़ा उतार सकता हूँ। तो इसलिए मैं जब स्कूल जाता था तो एक छुरी अपने बस्ते में लेके जाता था कि मुझे कहीं लवारा मिल जाए। लवारा कहते हैं बहुत छोटा जो गाय भैंस का जो बच्चा होता है वो मिल जाए, तो उसकी खाल उतार के मैं बेच लूँ और किताबें खरीद लूँ और खाने का इंतज़ाम कर लूँ। तो एक आध बार जब मिलता था तो मुझे इतना डर लगता था, चूँकि उसी रास्ते से स्टूडेंट्स गुजरते थे, कि वो देखेंगे तो क्या कहेंगे, और उसका उस स्थिति का आप अनुमान नहीं कर सकते हैं। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि मैं दिल्ली में आया, मेरी माँ ने मौसा जी के पास छोड़ दिया। मेरे मौसा जी जूते का काम करते थे राजौरी गार्डन में, और मेरे मौसेरे भाई पढ़ते थे, वो बाद में MBBS हुए, बहुत अच्छे डॉक्टर हुए, CMO बने, लेकिन जब वो पढ़ते थे तो मैं गलियों में नींबू बेचता था या अंडे बेचता था, और जब स्कूल छूटता था मुझे इतना लगाव था, इतना अटैचमेंट था पढ़ाई से कि मैं पढ़ नहीं सकता हूँ तो पढ़ने वालों को देख तो सकता हूँ। इस कोशिश में जब स्कूल छूटता था तो मैं बच्चों के पीछे पीछे चला करता था कि ये पढ़ने वाले हैं, मुझे पढ़ने को नहीं मिल रहा है। तो मौसा जी कहते थे कि तुम उसके पीछे मत चला करो, क्यों कि कोई देख लेगा दूसरा बच्चा तो कहेगा कि ये मजदूर बच्चा इसका भाई है, तो तुम्हारे भाई की इज्जत कम हो जाएगी, इसलिए तुम थोड़ा दूर रहा करो। और मैं वहाँ से हटना शुरू हो गया। फिर आप देखेंगे कि मैं जब 12 वर्ष की उम्र में था तो मैं एक रेलवे स्टेशन कसेर है वहाँ बैठकर बूट पॉलिश करता था, जूतों पर पॉलिश किया करता था। तो मेरे एक छोटी मौसी का लड़का जब वहाँ से गुजरता था तो मैं झेंप जाता था, या वो मुझसे वहाँ नहीं मिलता था, दूर आकर मिलता था कि कोई देखेगा कि इसका भाई है ये जो सड़क पर बैठकर बूट पॉलिश कर रहा है, या बरेली से अलीगढ़ और अलीगढ़ से मुरादाबाद जाने वाली रेल में मैं थैला डालकर बूट पॉलिश किया करता था। तो मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था, कल्पना नहीं कर सकता था कि कभी मैं विद्यार्थी भी बन पाऊँगा, और ये तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता था कि मैं कोई लेखक बनूंगा और या आपके सामने आऊँगा। तो मेरे लिए जो कुछ घटित हुआ है वो सपनों की तरह हुआ है। तो इस तरह की बहुत सी घटनाएँ हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मिनी कृष्ण जी यहाँ बैठी हैं और उन्होंने मेरा कुछ पढ़ा और देखा, तो उन्होंने अंग्रेजी में मेरी किताब ला दी, तो वो उनकी वजह से, और उन्होंने ये किताब आई माई चाइल्डहुड और माई शोल्डर्स, और उन्होंने बड़ा प्यार दिया और बड़ा जो है उनका मुझ पर बहुत एहसान है, आभारी हूँ मैं कि उन्होंने, वो कुछ लोग हैं देश में जिनकी नज़र होती है कि हाँ उस तरफ भी देखा जाए जिधर अंधेरा बहुत है। तो मैं इस बात पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा, छोटी छोटी कुछ कविताएँ ज़रूर सुनाऊँगा, चूँकि इस किताब का शीर्षक ही आज का कार्यक्रम है। इसमें से एक छोटी कविता सुनाऊँगा, व्यंगात्मक है, और दो एक कविता और एक गीत सुना के हट जाऊंगा। एक कविता हुआ करती थी राष्ट्रकवि की लिखी हुई कि जलाओ दियो पर रखे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर नहीं कहीं रहने जाए। तो मुझे लगा कि अंधेरा तो बहुत रह गया है, तो मैंने कविता लिखी, जलाए दिए
और रखा ध्यान इतना अछूतों के घर तक उजाले ना आए, जलाए दिए और रखा ध्यान इतना अछूतों के घर तक उजाले ना आए, जिन्होंने की सेवा सुरक्षा वतन की, जिन्होंने की सेवा सुरक्षा वतन की, वही लोग वेजा सताए दबाए, गुलामी से ज़्यादा तबाह ऐसे रखे कि आज़ाद कहते हुए शर्म आए, जलाए दिए पर रखा ध्यान इतना गरीबों के घर तक उजाले ना आए। हो गैरत तो कुछ योजनाकार सोचें, कहाँ पहुँचना था कहाँ लेके आए, भरी जिनकी मेहनत ने तोंधे तुम्हारी उन्हीं के गले तक निवाले ना आए, जलाए दिए और रखा ध्यान इतना कि अछूतों के घर तक उजाले ना आए। अंधेरा पसंदों को इतना उजाला कि चुंधियाई आँखें न सच देख पाए, जलाए दिए और रखा ध्यान इतना अछूतों के घर तक उजाले न आए, न गौरी का हमला न अंग्रेज हैं अब। कहते ना कि मुसलमानों ने तो उस पर हमला कर दिया था इसलिए अछूत हो गए, या अंग्रेज थे इसलिए जो है बंटवारा हो गया समाज का। न गौरी का हमला न अंग्रेज हैं अब, तो सरकारी स्कूल किसने मिटाए, तो सरकारी स्कूल किसने मिटाए जहाँ बच्चे गरीबों के पढ़ सकते थे, वो स्कूल तो एक तरह से आत्महत्या कर गए, वहीं संभावनाएं थी हम जैसे बच्चों को पढ़ने की। बड़ा शोर था विश्व गुरु ज्ञानियों का, करोड़ों दलित क्यों निरक्षर बनाए, विषमता हटेगी गरीबी मिटेगी सभी जन की शिक्षा सुरक्षा मिलेगी, इन्हीं सब्ज बागों में हमको घुमाकर हमारे हुकुमरान ने हम बरगलाए, जलाए दिए और रखा ध्यान इतना अछूतों के घर तक उजाले ना आए। इस कविता के बाद एक दो छोटी कविता, एक गीत जरूर सुनाऊंगा। एक बार हुआ क्या कि एक पत्रिका थी दिनमान, उसमें एक विज्ञापन था, हेमवती नंदन बहुगुड़ा उसके विशेष अतिथि थी, और उसमें एक विज्ञापन था कि नए बच्चों को प्रोत्साहन दिया जाएगा कविताएं भेजें। तो मैंने वो कविता लिखी और अपना फोटो लेटर बॉक्स में डाल दिया। वो छपकर जब आई तो वो 15 रुपये की पत्रिका थी और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, और मैं उस दिन कोई इंटरव्यू देने गया था और मेरे पास मेरे सर्टिफिकेट रखे हुए थे। तो जब मैं बुक सेलर के पास गया और वो पत्रिका मैंने कहा कि ये मुझे दे दो, तो उन्होंने कहा 15 रुपये की है। तो मैंने कहा 15 रुपया मेरे पास नहीं है, बाद में मैं दे दूँगा, क्योंकि वो पत्रिका अगले दिन नहीं मिलेगी। तो उसने कहा कि कोई चीज़ रख दो, तो मैं अपने हाई स्कूल का सर्टिफिकेट रख कर चला गया। और जब वो पत्रिका लेकर मैं कुछ दूर पहुँचा तो मेरा एक मुस्लिम दोस्त था, उसने वो पत्रिका देखी और वो कहा कि ये क्या है। मैंने कहा इसमें हमारी कविता छपी है, और लेकिन हम इसके बदले अपना सर्टिफिकेट रखाएं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था, और वो जब पैसा होगा तब लेके आएंगे। तो वो मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ गया और उसने कहा अरे यार ये हमारे दोस्त की नज्म साया हुई है और तुमने उसका ये रख लिया, लो मैं देता हूँ 15 रुपया। तो ऐसे देखे वो कविता आई, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, काफ़ी दिन पुरानी है लेकिन हालात बिल्कुल ऐसे थे। आपको झुंड जो घबराया हुआ लगता है, आपको झुंड जो घबराया हुआ लगता है, देश इन हाथियों का सरमाया हुआ लगता है। सरमाया कहते हैं प्रॉपर्टी, बाप की जायदाद। आपको झुंड जो घबराया हुआ लगता है, देश इन हाथियों का सरमाया हुआ लगता है, और जमहूरियत पर जो छाया है तबाही की तरह, हम कसाई को जिताते रहे भाई की तरह, उसका दावा कि मुफलिसी से दिला देंगे निजात, गंदगी दूर सियासत से करें रातों रात, और हाथ को काम हर एक पेट को रोटी देंगे, बेपनाहों के लिए घर भी मुहैया होंगे। आवाम फिर भी अपड़, फिर भी दुखी, फिर भी उसे लाचारी, एक तरफ कह कहे हैं सब तरफ है बेजारी, भूख है लूट है और जिस्म की नीलामी है, भूख है लूट है और जिस्म की नीलामी है, 100 में 70% इंसान को गुलामी है, जलती नारी है कहीं, है कहीं साही सादी, है फकत 1-2 कुनबे में जश्न आज़ादी। चुनावी खेल में 40 बरस बीत गए, अब तो ज़्यादा ही बीत गए, चुनावी खेल में 40 बरस बीत गए, सवाल हल नहीं हुआ है एक बुनियादी, वो ये कि तंत्र बड़ा है या लोग ताकतवर, लोग यानी पब्लिक, वो ये कि तंत्र बड़ा है या लोग ताकतवर। हाँ प्यालों को बदलने से मैं नहीं बदली, प्याले बदल दिए शराब नहीं बदली गई, हाँ प्यालों को बदलने से मैं नहीं बदली, और बदले कपड़ों का असर क्या शरीर रचना पर, अब एक ही हल है फकत इनकलाब आने दो, और समाजवाद से नफरत है उसे जाने दो,
हमारे खून से जलने दो कुछ नए दीपक, इस घटाटोप अंधेरे से पार पाने दो, हाँ जाति मजहब के पाने दो, जाति मजहब धर्म के रोड़े हैं, अंतिम पंक्तियाँ हैं, जाति मजहब धर्म के रोड़े हैं, वरना एक दिन में एक है दुनिया, आप चश्मे से देखते कुछ हैं, मेरे नक्शे में ने कह दुनिया। एक छोटा सा गीत अर्ज करके चला जाऊंगा, चूंकि है तो बहुत सी बातें हैं कहने को, समय का ख्याल रखते हुए। बेचैन जी थोड़ा इधर, समय बहुत छोटे में, बहुत से में, और आप चाहे दोबारा बुला लें तो फिर मैं बाद में आ जाऊंगा। अब वो कहीं गई, बेचैन जी इसको जाने दें, हाँ, रोक देते हैं, कोई बात नहीं, क्षमा करें, समय हो रहा है, हाँ, दो ये लोग बोल रहे हैं, और अगर समय बचेगा तो वो गीत मैं आपको अर्ज कर दूंगा, एक दो मिनट का अवश्य, और देखिए धन्यवाद, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। And there are several questions raised about Dalit aesthetics and Dalit politics. What will help the lot of the Dalits? How will the situation improve? There are constitutional provisions that were made in 1950. There are political interventions that Dalit parties and Shudra parties and their leaders have made. But here in the literary festival, I think it needs to be emphasized that all these Dalits who have made a mark for themselves and raised awareness and consciousness and our conscience regarding the Dalit situation, they're all not only Dalits but also writers. And there's a distinction to be made here. Bechainji began as a poet. His poetic talent was recognized very early, and that was what brought him forward from among his peers. Bechain, never at rest, always restless, always agitated, that's his pen name. Byapariji has already told you, Byapariji's work is not only autobiography, he has also written 8 novels. 8? Aap, no, 8-9 upanyas hai aapke? Haan, haan, haan. Achha. Aur ye, this book, There's Gunpowder in the Air, is a novel. Many people think that the only kind of Dalit writing that can take place that moves people is autobiography. This is fiction, this is not autobiography. This is set in a jail. It's about a jailbreak by Naxalites, but it wasn't experienced directly by Byapariji. Byapariji jail mein the jahan unhone ek kahani suni. To jo sawal uthta hai, swanubhuti ka something directly experienced aur sahanubhuti ka, aapka lekhan dono ka pratinidhitva karta hai yahan. Dono prakar ka lekhan aapka hai. Desraj Kali ji Punjabi mein likhte hain, Punjab se hain. और केवल दलितों के बारे में ही लिखते हों ऐसा नहीं है, इतिहास के बारे में लिखते हैं, पंजाब के इतिहास के बारे में लिखते हैं, 100 साल पहले की बातों के बारे में लिखते हैं, वो स्वयं ही बताएंगे कि क्या क्या उनकी उनके क्षेत्र रहे हैं। बहुत मेहरबानी सर, चल रहा है माइक। देखो बियर पीने के ना दो फायदे होते हैं, एक तो रात की रम को ठंडक मिल जाती है। रेवाती लाल मुझे दिख रही है यहाँ, वाह आपके लिए है ये, और दूसरा है कि आपको स्टेज से भागना भी पड़ सकता है। प्रोफेसर सीपी देवल साहब हैं, मैं आपके पांव छूकर अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। देखिए मेरा एक्सपीरियंस इन बड़े लोगों से थोड़ा अलग है, मैं बहुत ही एलीट परिवार से संबंधित हूँ, मैं किसी गरीब परिवार से संबंधित नहीं हूँ। मेरा जो परिवार है, मेरी जो फैमिली है, या मेरा जो बचपन है, इनका बचपन जैसे बीता, इन्होंने कहा कि मैंने पशु मरे हुए पशुओं काम मैंने भी वही किया, वही काम मैं करता था। 10th तक मैट्रिक तक मैं ढोता रहा हूँ इस तरह मरे हुए पशु, मगर मेरी फैमिली बहुत एलीट थी। 5वीं 6वीं तक पढ़ते पढ़ते मैं नाथों और सिद्धों का लिटरेचर मेरी फैमिली से पढ़ चुका था। मैंने बौद्ध साहित्य, पौराणिक साहित्य, निर्गुण संतों का साहित्य, ये +2 तक पढ़ डाला था मैंने। और मैं उस फैमिली को बिलोंग करता हूँ जिसमें हमारे परिवारों में
गुग्गा जाहर पीर यहाँ बहुत मशहूर हैं, राजस्थान से ही है वो सारी कहानियाँ, मगर टोली खिलाते थे हमारे उन परिवारों में, टोली खिलाते थे और रात भर गुग्गा जाहर बीर को याद किया जाता था, गाया जाता था। जिस अब मेरी ये फोक ट्रेडिशन जो है, ये जो ओरल ओरल हिस्ट्री की ट्रेडिशन है, तो उसमें गोरखनाथ को, नाथों को, उनके लिटरेचर को बहुत शिद्दत के साथ सेलिब्रेट किया जाता। मेरा जन्म गोरखनाथ की गोदी में हुआ है, तो मुझसे एलीट कौन होगा यार? ये क्या होती है पॉवर्टी, गरीबी, पैसा, क्या होता है ये? मुझसे अमीर अलीट कोई नहीं है। मैं गोरखनाथ की गोदी में पैदा हुआ हूं, मैं चपटरनाथ की गोदी में पला बड़ा हूं, मैं कबीर की गोदी में खेला हूं यार, मैं बाबा बुल्ले शाह। हमारे वहां दुआबे के दलित में सूफियों को गुरु धारणा की जाती है। मेरे पिता के गुरु संत ब्रह्मदास चिश्ती खानदान से थे, चिश्ती साबरी संत ब्रह्मदास, फिलौर में उनका डेरा है। तो वहाँ नुसरत फतेह अली खां आ रहे हैं, वहाँ सूफी ट्रेडिशन। मैं बुल्ले शाह की उंगली पकड़कर बड़ा हुआ हूँ, मुझसे एलीट कौन होगा? वो सैयद अपने को डी क्लास कर रहा था, मेरे साथ आ रहा था कि अराई साई सबनी थाई, क्या बात है यार। तो मुझे लगता है कि इन लोगों का भी जो ये जो राइटर बैठे हुए हैं, ये पॉलिटिकल लोग हैं ना, ये इस तरह से ही बोलते हैं, मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ। मैं और देखता हूँ सर, मराठी साहित्य या हिंदी दलित साहित्य की जो बात चल रही है, मैं देखता हूँ कि वो लहरों से पैदा हो रहा, मराठी में लहर है, एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, तो वहाँ से साहित्य पैदा हो रहा है, हिंदी उससे प्रेरित होकर हो रहा है, मगर पंजाबी में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ कोई दलित मूवमेंट नहीं है, पंजाबी दलित लिटरेचर फिलॉसफी से पैदा हो रहा है, वो नाथों से पैदा हो रहा है, वो सूफियों से पैदा हो रहा है, वो गुलाबदास, महाराजा रणजीत सिंह के पीरियड में एक सेक्ट है संतों का गुलाबदास, और वो गुलाबदास देखिए इतने रेवोल्यूशनरी हैं, अपने डेरे में लिख रखा है उन्होंने कि मेरा जो जो साहित्य है, जो मेरे प्रवचन हैं, वो ऊपर के तीन वर्णों के लिए नहीं है, जो सिर्फ शूद्रों के लिए हैं, और वो पीरों के साथ लिव इन रिलेशन में रहते हैं, और दोनों सिहर्फियाँ लिखती हैं। ब्राह्मणिक लिटरेचर में क्वेश्चन करने वाली औरत और जवाब, तमाम जवाब देने वाले शिव हैं, तमाम जवाब देने वाले मर्द हैं, मगर पंजाब के दलित लिटरेचर की रूट्स को मैं देखता हूँ, खंगालता हूँ, तो क्वेश्चन मर्द कर रहा है, गुलाबदास क्वेश्चन करते हैं, और फिलॉसफी में उनके जवाब पीरो दे रही है, जिसको पीरो प्रेमण कहते हैं। आज आप लिव इन रिलेशन की बात करते हैं, तब रहे और डेरे की गुरगद्दी उनको संभाली, वजीर हुए हैं, वजीर के साथ नौरंग देवी, दोनों लिव इन रिलेशन में, दोनों इकट्ठे सीआरपियाँ लिख रहे हैं और ब्राह्मणिक लिटरेचर से संवाद में है, वो सोशो पॉलिटिकल इतना बड़ा रिच। और बाबा बुल्ले शाह जितने भी सूफी हैं, वो सारे पंजाबी दलित लिटरेचर की रूट्स में काम कर रहे हैं। तो जो हमारे लाल सिंह दिल बहुत बड़े दलित पोएट हुए हैं, मैं उनको देखता हूँ तो उनकी पोएट्री में वो सारे का सारा इस्लामिक टच है। वो तो मुस्लिम हो गया था, उसने इस्लाम धारण कर लिया था, कह रहा था कि यार वहाँ बहन से भी आप मोहब्बत कर सकते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि दलित लिटरेचर ऑल ओवर इन द इंडिया ये मोहब्बत का साहित्य है यार, ये गरीबी का साहित्य नहीं है, ये बहुत अलीट लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं। मुझे लगता है ज़्यादा बोलना ही नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। देशराज जी, आपने एक बिल्कुल दूसरी परंपरा की ओर इशारा किया, हिंदी में दूसरी परंपरा की खोज हो रही है, सर्च फॉर द अदर मोर रेडिकल लिटरेरी ट्रेडिशन, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव एम्फसाइज्ड, एंड हाउ द सेंट्स, द भक्ति मूवमेंट सेंट्स एंड द सूफी पोएट्स, स्पेशली इन अ लैंग्वेज लाइक पंजाबी, हैव ऑलवेज मेंटेन्ड अ रेडिकल एटीट्यूड towards social issues, injustices, and he says he's the child of that tradition. That
is still a rebellious voice, but a traditionally rebellious voice to which he lays a claim, very rightly and aptly. Our last speaker is Dhrubo Jyoti, who represents, if I may say so, two constituencies, as do all of them. They're not just unidimensional Dalits. They have plenty of other achievement to show for themselves. And Dhrubo Jyoti has another orientation, which is the queer gay orientation. And I do not know, the word doubly colonized is used far too glibly, but these are two different issues, and they are aligned. They come together in a person like Dhrubo Jyoti. Dhrubo Jyoti works as a reporter and editor for the English language National Daily, the Hindustan Times. And while he will speak about his own life story and experiences and how he sees Dalit issues, one little question I may like him to address, if he so wishes, is, as a reporter on a newspaper, are these identities of his own, the Dalit and the queer, do they impinge upon reporting? Do they color the reporting? Or does he try, so far as possible, to keep them apart? Dhrubo Jyoti. Thank you. Pehle kehna chahunga ki it's such an honor to be sitting with on a panel with all of you, Manoranjan, Desraj sir, Sheoraj sir. Just to begin, I think ye kehna chahunga ki till the previous generation, I think there was a hope ki jitni peedi aage badhegi, jitne young log aayenge, jati pratha jo caste oppression hai wo kam hoga ya log iske bahar niklenge, lekin hamari generation mein ab I think it's now clear that is not going to happen or is not happening. Chahe aap Rohit Vemula ki zindagi dekh le, I think it's very clear that that the modes of oppression shayad badal rahe hain, or they are getting modulated or changing along with this kind of just neoliberalism aa raha ho ya economic liberalization aa raha ho, to usse shayad the ways in which oppression works wo badal raha hai, lekin the core of caste system is still very very alive. So I think wo ek for many people who are young and who come from these oppressed communities, ye ek bahut hatasha ki baat hai, kyunki jab hum universities mein jate hain, jab hum colleges mein jate hain, even today quota students, quote unquote, it's used as a pejorative, as a slur, and used as a slur jo sirf matlab peers ya students hi nahi, teachers, professors bhi use karte hain, exam mein kam number dena, sabke samne gaali galoj karna, fail karwana, these are very very common occurrences. Dusri baat jo Harish sir apne journalism patrakarita ke bare mein jo kaha, I think it's critically important that we think of it as a casted kind of profession, kyunki ek to especially in the English language press jahan pe main kaam karta hu, dusre press ke bare mein mujhe utni jankari nahi hai, there are very very few people from the Dalit communities, bahut kam log hain, aur jo hain unko bhi bahut mushkilon ka samna karna padta hai. And this is important, and if all of you remember, Manoranjan began with that anecdote about him winning a tremendous prize and it not getting any play in any of Bengal's newspapers, ki kisi bhi akhbar mein, kisi bhi media channel mein uske bare mein baat nahi hui. And I think this reflects ki kaun log hain jo soch samajhte hain ki ye news hai aur ye news nahi hai, aur kaun se community se wo log aate hain ki unko lagta hai ki acha ye cheez is important and this other thing is not important. I think this also has to do with the way in which we imagine ki hamari audience kaun hai. Bahut baar humko kaha jata hai ki acha ye to Dalit issue hai, as if it's something, as if caste is something that's separate from other things, and I think these are things that one encounters every day working as a journalist. Ek chota sa udaharan dena chahunga, bahut bari jab hum election cover karne jate hain to there are many many reporters who only go to a village and will only talk to the forward castes, aur unse baat karke wo report banate hain aur kehte hain acha ye hawa is taraf hai, rukh is taraf hai. Ek to
उनके इमेजिनेशन में ही नहीं है कि दलित बस्ती, हरिजन बस्ती इज अ पार्ट ऑफ द विलेज, क्योंकि वो कभी उन कम्युनिटी से नहीं आए, तो उनको कभी लगा ही नहीं कि ये एक अलग उनका दृष्टिकोण हो सकता है. दे कैन थिंक डिफरेंटली, दे मे हैव डिफरेंट पोलिटिकल, सोशल, लिटरेरी अलाइनमेंट्स. द अदर थिंग आई थिंक दैट इज ऑलवेज स्टिल अ चैलेंज इज इन द वे इन विच वी थिंक ऑफ दलित पीपल. जो आप आई थिंक हरीश साहब रिपीटेडली सेड कि अगर राइटर हैं तो दलित राइटर हैं, दलित जर्नलिस्ट हैं, दलित आर्टिस्ट हैं, एज इफ इट्स अ कैटेगरी दैट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. हम तो कभी नहीं कह, आई मीन इवन विथ समबडी लाइक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राइट, हुज कॉल्ड अ दलित आइकॉन, राइट, गांधी इज नेवर कॉल्ड अ बनिया आइकॉन और अन अपर कास्ट आइकॉन, राइट. वो सारे देश के हैं, राइट, वो नेशनल हैं, इंटरनेशनल हैं, लेकिन जो इन समाज से जो लोग आते हैं उन वो, एंड एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट मैनी मैनी यंग पीपल फील कि तुम जितनी भी कोशिश कर लो, एट सम एट एंड देर इज अ वे इन विच अपर कास्ट ऑफ द सोसाइटी इज ट्राइंग टू पुल यू बैक इन टू दिस आइडेंटिटी कि नहीं, आप लेखक नहीं, आप जर्नलिस्ट नहीं, आप दलित लेखक हैं. एंड आई थिंक दीज आर द वेज इन विच कास्ट काइंड ऑफ कम्स इन टू द पिक्चर विद जर्नलिज्म. These are some wonderful discriminations that Dhrubo Jyoti has just made, introducing nuance into a debate which can sometimes get a little aggressive and heavy-handed. It's not as if one is just a Dalit. Even about the word Dalit, there has been long historical debate about which word would be appropriate and not exploitative and not unjust, from Achhut to Harijan to Dalit. We have some time for questions from the audience. If you keep them brief, we can have many more questions. Anyone? Yep. जी मैं भाषा के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग चारों अलग अलग भाषाओं से जुड़े हुए हैं, ये लेकिन आप लोगों को बहुत सारी भाषाएँ आती हैं, और आप लोग जब अपनी भाषा में, बंगला में, पंजाबी, हिंदी या अंग्रेज़ी में लिखते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि उसी भाषा में आप लोग घर पर हैं या किसी दूसरे लोगों की भाषा में लिखते हैं. यह एक बात है. और दूसरी भाषा, दूसरी बात यही है कि क्या अगर हरीश जी ने बताया था कि अगर दलित राइटर अंग्रेजी में लिखेंगे वो एक क्रांति होगा, लेकिन वो क्रांति नहीं हो सकता है कि लोक भाषा जब अंग्रेजी के पद तक पहुंच जाए और दलित दलित साहित्य की भाषा भी अंग्रेजी जैसी समझा जाए, तब वो क्रांति नहीं हो सकता. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. यू नो आई थिंक वन थिंग टू से अबाउट दिस इज देयर आर टू क्वेश्चंस हियर. व्हिच लैंग्वेज डू आवर राइटर्स राइट इन? What kind of an impact does that have? Is English a more enabling language, a more radicalizing language than others? A kind of an assumption that one cannot take for granted. It has its uses and it has its disadvantages for so many people. Agar Dalit angrezi mein likh nahi sakte to kya hum unko manenge nahi ki wo likh rahe hain? Apni apni bhashaon mein likhenge tabhi to unki baat samne aayegi. Angrezi pehle seekhenge to kaise aayegi? Aur teesri baat कि जब अपनी भाषाओं में लिख लिया और अंग्रेजी में अनुवाद नहीं आया अंटिल दे आर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, इज देयर इम्पैक्ट एनी द लेस? देसराज जी आप कुछ कह रहे थे. देखिए, भाषा के मामले में मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि भाषा की अपनी एक जमीन होती है और हर जमीन की एक भाषा होती है. संकट भाषा के मामले में ये हो गया कि हम जमीन से कट गए. मिली हवाओं में उड़ने की जे सजा यारो, कि हम जमीन से कट गए यारो. और जमीन से कट गए तो भाषा से भी कट गए. भाषा के बारे में 27 को इसी बैठक में 10 बजे से 11 बजे तक होगा, मगर भाषा का अपना एक आभामंडल होता, हर शब्द का आभामंडल, जिसको आप अंग्रेजी वाले मैग्नेटिक डायनामिक फील्ड कहते हैं. ये भैया ज़्यादा जानते हैं अंग्रेजी. आभामंडल, ऑरा,
पंजाबी वाले हम उसको कहते हैं, हर शब्द का, और उसका कभी कोई ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, अंग्रेजी में तो हो ही नहीं सकता, और अंग्रेजी बहुत बुरी भाषा है, मुझे आती नहीं है तो मैं तो यही कहूँगा ना। जो शब्द हैं, जैसे मैं संतों की बात कर रहा था, तो हर शब्द है, हर जपे हरि मंदिर साजया, हरि मंदिर हर के जपने को साजा है, तो मैं हर के पीछे भागता रहा, हर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में हर शब्द ही है, तो हर का मैं ढूंढता ढूंढता दार्शनिक तौर पर है, जे जो मेरे पंजाबी में पोटे कहते हैं, पता नहीं आप अंग्रेजी में ने क्या कहते हैं, जिस चीज़ को मैं छूता हूँ तो जो मेरे भीतर कुछ द्रवित होता है, कुछ जागृत होता है, उसे हर कहते हैं। जैसे सुबह गुलजार साहब बोस्की कह रहे थे, अब बोस्की का क्या ट्रांसलेशन करोगे, उन्होंने मेघना का नाम बोस्की रखा था ना, तो भाषा का अपना एक पॉलिटिक्स होती है, अपना एक दर्शन होता है, एक फिलॉसफी होती है, और जिस भी भाषा में, हिंदी में लिखें, बंगला में लिखें, या अंग्रेज़ी में लिखें, मुझे लगता है ट्रांसलेशन में वो भाव नहीं आते। और जो पंजाब, मैं कह रहा हूँ कि पंजाबी में दलित लिटरेचर जो है वो फलसफे से पैदा हो रहा है, मराठी में लहर से पैदा हो रहा है, तो वो फलसफे के जो लफ्ज़ हैं वो पंजाबी के अलावा और किसी भाषा में मुझे दिखाई नहीं देते। थैंक यू, थैंक यू। यू नो द वर्ड ट्रांसलेशन हैज मेनी कॉनोटेशंस नाउ। इफ अ टेक्स्ट फ्रॉम एन इंडियन लैंग्वेज इज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, ऑब्वियसली इट कम्युनिकेट्स टू अनदर काइंड ऑफ ऑडियंस, बट कैन यू ट्रांसलेट अ दलित इनटू अ हाई कास्ट पर्सन? कैन यू ट्रांसलेट अ दलित सिंपली बाय द एक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक ट्रांसलेशन टू अनदर लेवल इन सोसाइटी? Manoranjan ji did not know how to read or write in any language until the age kareeb 24-25 saal ki umr tak aapko likhna padhna nahi aata tha. There are many people in the country who are in this kind of, and look at his work now. Bhasha ka jo prashn hai ki bhasha aur kathya ka sambandh, uske bare mein ek aad vakya bolen. Bhasha aur kathya, bhasha aur jo keh rahe hain वो कथन, वो कैसे जुड़ा हुआ है और अनुवाद में क्या होता है उसका? ये सवाल आप लोगों ने किया पढ़े लिखे लोगों के लिए, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, लेकिन मैं इतना समझता हूं कि जिन क्षेत्रों का भाषा है, बांग्ला हो, और बांग्ला के अंदर में भी हर जिला जिला में भाषा बदल जाता है, तो उन भाषा के अंदर में उन जगह की मिट्टी का एक सुगंध, एक खुशबू होता है, एक शक्ति भी होता है। हमारा बरिशाल का जो, हम बरिशाल ज़िले से आए हैं, वहाँ का जो भाषा है वो बंगाल में, वो लिखने से आप लोग कुछ नहीं समझेंगे, लेकिन उन भाषा में एक शक्ति, एक सौंदर्य भी है, वो वही जानता है जो वो भाषा को जानता है। तो इसके लिए क्या है, जो अंग्रेजी भाषा का जो सौंदर्य है, शक्ति है, वो अंग्रेजी जानने वाले लोग ही जान पाएंगे। बांग्ला से अंग्रेजी में करे तो वो चीज़ को हूबहू ट्रांसलेट करना बड़ी मुश्किल होगा, ये मेरे ख्याल से, मैं इतना मान लूँ, क्योंकि हिंदी मैं जानता हूँ और हिंदी का कुछ बांग्ला ट्रांसलेटर हमने देखा, तो हमको लगा कि हिंदी में इन लेख में जो एक राग दरबड़ी उपन्यास जो है श्रीलाल शुक्ला, क्या बढ़िया पुस्तक है, उसको बांग्ला में ट्रांसलेट किया, वो पढ़ने का मन ही नहीं करता है। तो इसके लिए ये एक मुश्किल काम तो है। शिवराज जी, मित्रों, भाषा के बारे में मेरा कहना यह है कि मैं नहीं कहूँगा कि अंग्रेजी बुरी भाषा है या कोई भी बुरी भाषा है। भाषा का एक संचित ज्ञान है, और हम उस संचित ज्ञान को अगर अर्जित कर लेते हैं तो हमारा फायदा ही होता है, उसमें कुछ बुरा नहीं होता। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 14 साल तक स्कूल का मुँह नहीं देखा, तो अंग्रेजी की तो बात छोड़िए, मैं अपनी भाषा भी सीखना मेरे लिए एक मुश्किल काम था, वो मेरा शौक था, इंटरेस्ट था, तो मैं कर गया, यहाँ तक आ गया। मैंने बाबा साहब अम्बेडकर के मूक नायक और बहिष्कारक का मराठी सीख कर हिंदी अनुवाद किया, वो दो किताबें हैं। उसमें एक जगह बाबा साहब लिखते हैं कि अंग्रेजी
शेरनी का दूध है, और इस शेरनी के दूध को भारत के नेताओं ने जितना अधिक पिया वो उतना ही अधिक अंग्रेजों के खिलाफ दहाड़ा, रिवोल्ट किया उसने अंग्रेजों के खिलाफ और आज़ादी के लिए लड़ा। तो भाषा का योगदान तो यह है। मैं आपको कहना चाहूँगा, मैं मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है, और दोनों अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हैं। आपके ही अंग्रेजी विभाग से मेरी बेटी ने एम ए इंग्लिश किया और वो जर्नलिस्ट है, अच्छा अंग्रेजी बोलती है और अच्छा हिंदी बोलती है। मेरा बेटा है वो यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर में पढ़ता है, हम उसको कहते हैं कि हमको पत्र हिंदी में लिखो, नहीं लिखता, वो अंग्रेजी में ही लिखता है, तो उसकी तो अंग्रेजी हो गई। तो ये परिस्थिति पर निर्भर करता है कि किसको क्या मौका मिला और कौन सी भाषा उसने सीखी। इसके अलावा मेरा कहना यह है, बस एक सेकंड में, कि अगर हम अपना रचनात्मक साहित्य दूसरी भाषा में लिखने का कोशिश करते तो उतना अच्छा नहीं लिख पाते। मेरे एक दो दोस्त ने कहा कि आप अंग्रेजी में लिखो, आसान रहेगा और अपनी बेटी से ठीक करा लो। तो मैंने कहा अंग्रेजी में लिखूंगा तो बहुत बुरा लिखूंगा, बहुत खराब लिखूंगा, खराब लिखने से अच्छा है कि मैं अपनी भाषा में लिखूं। दीवा जफर ने और तपन जी ने उसको बहुत अच्छी तरह से अंग्रेजी में ला दिया। तो अगर हमने कुछ सही कहा है, लोगों के लायक कहा है, तो उसका अनुवाद हो सकता है तमाम चीज़ों के हुए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि अंग्रेजी में नहीं लिखी थी, नोबेल प्राइज लेके गए। तो इसमें यह है कि हमको कोशिश करना चाहिए और अपनी दिलचस्पी और परिस्थिति पर निर्भर है कि जितनी भाषाएं हम सीख सकें अच्छा है, लेकिन जब तक नहीं सीखे हैं, जब तक जो हमारे पास है हमको अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम वो बनाना चाहिए। धन्यवाद। ध्रुव ज्योति, यू आर ए बिट लाइक हिज सन, यू हैव ऑलरेडी अराइव्ड एट इंग्लिश। नाउ डू यू विश टू ऐड समथिंग एंड डू यू आल्सो विश टू कम्युनिकेट टू अस व्हाट वाज विस्पर्ड इन योर ईयर बाय द ऑर्गेनाइजर्स? Just एक छोटा सा, just one quick thing, I mean actually two quick things. One is, I think, एक तो कि that there is such tremendous diversity in Dalit people who are writing, कि हर ऐसा, I don't think there is that kind of division, कि इतनी भाषाओं में writing हो रही है कि it is, I mean that diversity is mind-boggling. So I think it is true that, And I agree with Deshad said that it is true that English as a language has limitations, not just in translating experiences, but also in the way in which English in India, at least, has for many generations been seen as a language for forward castes, for very well-heeled elite people. But the last thing about language is that the ways in which Dalit literature is also smashing what we think of as good literature. गुड राइटिंग, अच्छे फॉर्म में राइटिंग। मनोरंजन दा बार बार कहते हैं कि मेरी लिखनी कड़वी है, मीठी नहीं है। सो दिस आइडिया दैट राइटिंग हैज़ टू बी ब्यूटिफुल, इट हैज़ टू बी प्रिटी, द वर्ड्स हैव टू लुक ग्रेट, आई थिंक टू ब्रेक दैट काइंड ऑफ एस्थेटिक्स इज अनदर ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दलित लिटरेचर टू लैंग्वेज, टू भाषा। एंड व्हाट डिड द लेडी से टू यू दैट वी आर मच ओवर टाइम? नो, यस। Well, we've had a wonderful session of tremendous range and intensity of experience described to us by four people who have lived several lives in one and who have very resourcefully and movingly described it for us to sensitize us to how unequal and unjust the society continues to be, and for us to take away some kind of a message from these lives, life stories, to reflect on what they have gone through, which we are privileged enough not to have, but for us, therefore, to sympathize more and perhaps to do something more beyond sympathy to the extent that we can. Thank you, all the writers, and thank you, the audience. Thank you very much.